गाइज आज मैं आपको टॉप 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ जिसके बारे में सुनकर यकीनन आप भी चौंक जाइएगा। फैक्ट नंबर 1, गाइज हम सभी लोगों ने रामायण को तो जरूर देखा होगा और रामायण में रावण और जटायु की लड़ाई को भी देखा होगा, लेकिन गाइज क्या आपको पता है कि जटायु के पंख जहाँ काटे गए थे वहाँ पर जटायु की एक बहुत बड़ा मूर्ति को स्थापित किया गया है। जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर वह जगह कहाँ है, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल आपके जानकारी के लिए बता दूं, यह पक्षी प्रतिमा केरल के कोलम जिले में स्थित है जो अब तक की सबसे बड़ी पक्षी प्रतिमा मानी जाती है। अगर विश्वास नहीं है तो आप भी एक बार केरल के कोलम जिले में जाकर इस पक्षी प्रतिमा का दर्शन कर सकते हैं और रामायण के जटायु के बारे में बहुत सारे जानकारियां को भी प्राप्त कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, गाइज एक तरफ उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अब पूरा हो चुका है और इसे 2024 तक लोगों को दर्शन करने के लिए अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन एक तरफ बिहार में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग का स्थापित किया जाने वाला है। जी हाँ गाइज, आपने सही सुना, बहुत ही ऐतिहासिक जानकारियाँ बताएंगे इस वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल आपके जानकारी के लिए बता दूं, बिहार में अयोध्या से भी 3 गुना बड़ा विराट रामायण मंदिर का स्थापना होने वाला है। इस मंदिर को जो भी भक्त देखने आएंगे तो उन्हें विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग देखने को मिलेगा। फैक्ट नंबर 3, गाइज राम मंदिर का निर्माण अब लगभग हो चुका है और इसकी कपाट की खोलने की तारीख 22 जनवरी को रखा गया है, जिसमें बहुत सारे साधु संत राम मंदिर के निर्माण में आएंगे और उसी दिन से बहुत सारे लोग प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। और यही नहीं, इस राम मंदिर के निर्माण में एक बहुत बड़ा अगरबत्ती को गुजरात से मंगाया गया है जिसकी लंबाई 108 फीट होगी और उसी दिन इस अगरबत्ती को भगवान प्रभु श्री राम की आरती में दिखाया जाएगा। तो गाइज आप कब चल रहे हैं भगवान प्रभु श्री राम की दर्शन करने, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 4, गाइज अपना देश भारत एक बार फिर से बहुत बड़ा इतिहास को रच दिया है, लेकिन आखिर क्या कर दिया है जानते हैं इस वीडियो में। तब तक हमारे भारत देश से जितने भी लोग हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं, भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में अब इंदौर की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस नहीं दिखेगी, बल्कि वहां पर एक आधुनिक तरीका से बनाया गया रोबोट ही ट्रैफिक पुलिस का काम करेगा, जो भारत देश में यह काम पहली बार देखने को मिला है। गाइज क्या यह रोबोट ट्रैफिक सुरक्षा के नियमों का पालन पब्लिक से आसानी से करा पाएगा या फिर नहीं। फैक्ट नंबर 5, गाइज क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा जगह है जहां पर रोड की लंबाई बिल्कुल सीधी 200 किलोमीटर तक है। बताएंगे कुछ लाजवाब जानकारियां, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल आपके जानकारी के लिए बता दूं, इस रोड का नाम यूएस द डेथ वैली रोड के नाम से जाना जाता है। यही नहीं, इस रोड पर बहुत सारे राइडर स्टंट को अपने दिखाते हैं और कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस भी करते हैं। गाइज इनमें से कौन सी फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।